दिखा देता हूँ भाई गाड़ी का भी, आप सोचो पता नहीं कौन सी गाड़ी का माइलेज दिखा रहा है, बाहर से भी दिखा देता हूँ। तो भाई ये अपनी फ्रॉन्क्स है, बार 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 हो गई पुल। अब देखते हैं कि भाई बिल्कुल माइलेज भी एग्जैक्ट निकलता है या फिर कुछ माइलेज में फर्क आता है इसके साइज की वजह से। गाड़ी चली है 96 ही मान लेते हैं भाई टोटल, और इसको डिवाइड कर देंगे भाई हम। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, और शाम हो रही है भाई जैसा कि आप देख सकते हो। फिलहाल फ्रॉन्क्स के अंदर बैठा हूँ और भाई भैया ने जो है लाइट अपग्रेड कराई है, ये एलईडी करवा ली, तो काफ़ी अच्छा इसका रेस्पॉन्स है, मतलब पहले हेलोजन के मुकाबले काफ़ी बढ़ गई है। तो भाई आज ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किसी पर्पज़ के लिए। पर्पज़ ये है भाई, मैं आपको बलेनो का एवरेज तो दिखा चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। अब भाई बलेनो की जो बड़ी बहन है फ्रॉन्क्स, सेम इंजन के साथ आती है, बस थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस और थोड़ा सा लुक्स का फ़र्क है। अब देखते हैं कि भाई बिल्कुल माइलेज भी एग्जैक्ट निकलता है या फिर कुछ माइलेज में फर्क आता है इसके साइज की वजह से। तो आप बने रहिए इसी वीडियो में, अभी फिलहाल मैं आपको रीडिंग दिखा देता हूँ कितनी हो रही है। तो भाई माइलेज देखो, फिलहाल तो MID दिखा रही है 20.5। टोटल गाड़ी चल चुकी है 528 किलोमीटर, और भाई ये ए ट्रिप 528 है और बी हमने बीच में एक बार 240 कर दी थी। तो भाई फिलहाल तो वैसे फ्यूल पूरा है, लेकिन फिर भी इसको फुल करा के फिर से करते हैं भाई, क्योंकि हमने इसको जीरो करना भूल गए थे। अब चलते हैं पेट्रोल पंप पे और करते हैं भाई सब चीज को पेट्रोल पंप पे जाके जीरो। चलो फिलहाल है हम हरिद्वार में, और हरिद्वार के पेंटागन मॉल के पास ही एक ये पेट्रोल पंप है भाई इंडियन ऑयल का। अब यहाँ हम कराना जा रहे हैं इसका पेट्रोल फुल, और आपको रीडिंग दिखा देता हूँ भाई कितने पे हम यहाँ आए हैं, सब कुछ क्लियर बताया जाएगा आपको। 531, और अभी ट्रिप भी जीरो करूँगा भाई। दिखा देता हूँ भाई गाड़ी का भी, आप सोचो पता नहीं कौन सी गाड़ी का माइलेज दिखा रहा है, बाहर से भी दिखा देता हूँ। तो भाई ये अपनी फ्रॉन्क्स है, नंबर अभी आया नहीं है भैया का, लगाते हैं और ऐसा कराते हैं भाई फुल। ये देख लो भाई कुछ लुक अपना सिग्मा मॉडल का। तो भैया कर रहे हैं जीरो, और फिलहाल जैसा कि भैया बता रहे हैं इन्होंने फुल के बाद से 100 किलोमीटर चलाई होगी, 50 किलोमीटर के आसपास चला दी होगी। तो मेरे हिसाब से अब ये 2-1 लीटर इसमें पेट्रोल आना चाहिए, और ये स्टार्ट हो गई है भाई मशीन। ये आया भाई इसमें लगभग ऊपर ही फुल ऊपर तक है ना बिल्कुल, जब तक टपकना स्टार्ट हो जाए। ऑनलाइन कर देंगे, बस 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 हो गई पुल। ये देख लो भाई साहब ये अब आ चुका है फुल एकदम, और रेट दिखा देता हूँ आपको मैं, रेट है भाई 412। तो भाई फिलहाल 4.5 लीटर के आसपास आने के बाद हम चलते हैं, इसको चलाते हैं और उसको भाई फिर से हम जो है फुल कराएंगे, उसको चलाएंगे 50 से 100 किलोमीटर, उसको फिर से हम फुल कराएंगे, उसके बाद फिर दिखाऊंगा भाई माइलेज कितना है। फिलहाल मिक्स कंडीशन में गाड़ी चलेगी। तो भाई जैसे कि आपने देखा 531 किलोमीटर जो है ओडो है, और ये ट्रिप है, अब हम बी वाली ट्रिप को कर देते हैं जीरो। ठीक है भाई, बी ट्रिप जीरो है और ओडो टोटल 531 है। अब हम इसको 50 या 100 देखते हैं भाई, वो मिक्स कंडीशन में चलाएंगे, हाईवे और जो आपका सिटी होगा उसके बीच में, तब देखते हैं भाई कितना माइलेज देती है। फिलहाल आप देख सकते हो डंडे एकदम फुलम फुल है, ये देख लो आप, टाइम हो रहा है 7:06। एक काम करो, दबा के इसको जीरो कर दो, फिर निकलेगा। ये भी जीरो कर दिया, एक सेकेंड। तो भाई ये माइलेज हमने कर दिया है जीरो, और फिर से आपको रीडिंग दिखा देता हूँ। ये देखो 531, और ये भी जीरो हो गया। अब चलाएंगे इसको, हो सकता है भाई कल दिन में निकले और दिन में कुछ क्लिप्स डालें, लेकिन हम आपको क्रॉस वेरीफाई करा देंगे ओडो से और ट्रिप से, तब पता चलेगा। और फिर भाई बिल्कुल ऊपर तक करवाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया बिल्कुल ऊपर तक कराया, फर्स्ट कट के बाद ऊपर तक। भाई फिलहाल एक्सपेक्टेड तो ये है कि लगभग जो गाड़ी माइलेज देगी वो मिक्स कंडीशन में 18-20 के आसपास देना चाहिए, जैसा कि कंपनी क्लेम कर रही है 21 या 22 के आसपास का। तो एसी भाई ऑन है गाड़ी का, मेन बात ये है गाड़ी हमेशा एसी भाई चलती है हमारी, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी, भैया एसी तो हमारा चाहिए। देख लो ये रहा 22 तो हो रहा है एसी, तो फुल एसी पर रहेगा भाई माइलेज।
और मिक्स कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तो बाकी अब हम घूमते हैं थोड़ा हरिद्वार, और चल रही है अपनी जो रीडिंग है ऑडो है वो चल रहा है। तो भाई आप इंजॉय करो थोड़े हरिद्वार के सिनेमैटिक्स। भाई फिलहाल 3.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं और 534 दिखा रही है टोटल ऑडो रीडिंग। बाकी मैं भाई माइलेज दिखा देता हूँ पूरा लोकल में, भाई 7.5 का दिखा रही है। बाकी कल दिन में चलाएंगे भाई इसको, फिलहाल गाड़ी को दे रहे हैं रेस्ट और लोकल में, और थोड़ा बहुत अगर हाईवे रहा तो भाई मैं इसमें डाल दूंगा क्लिप्स वगैरह, आप देख लेना भाई कितना ओवरऑल ये माइलेज देती है। फ्रॉन्क्स 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड। चलो भाई मिलते हैं आपसे फिर दिन में। तो भाई अब आप देख रहे होंगे कि 12.9 दिखा रही है ये, 10, 11, 12, 7 क्या है भाई माइलेज। तो भाई जब हमने इसको फुल कराया था ना उसके बाद गर्मी लगने लगी थी भाई शाम के टाइम में, तो हमने इसको एसी पे भाई ऑन छोड़ दिया था लगभग 1-2 घंटा। तो भाई आप मान के चलो 1 लीटर 1 घंटे में भी अगर खाएगी तो 1.5-2 घंटा हमने इसको खड़ा रखा था, तो ऑन एन अप्रोक्स 1.5 से 2 लीटर भाई इसने फ्यूल कंजम्पशन किया होगा, इसलिए इसका जो माइलेज था जीरो करने के बाद वो घटता 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 भाई वो 7 पे पहुँच गया था। आ गए थे दिन में अपना 5:15 का हो रहा है टाइम, और रुक गए थे थोड़ा सा भाई खाने पीने के लिए खेड़ा ढाबा पे। माइलेज आप देख लो भाई 14.3 दिखा रही है। तो भाई अब हो गई है रात, लगभग 6:30 बज रहे हैं और हम हाईवे की तरफ भाई चल दिए हैं, तो जो माइलेज है भाई वो बढ़ने स्टार्ट हो गया, 14, 14.5 से बढ़ के अब ये 16 की तरफ भाई पहुँच चुका है। तो भाई जैसे जैसे हाईवे पर चलती रहेगी अपना माइलेज ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। अब भाई पहुँचते हैं आगे और दिखाता हूँ आपको। 16.2 अभी हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे। तो रुक गए भाई फिर से पेट्रोल पंप पे, और 16.2 तो फिलहाल जो माइलेज वो दिखा रही है, और 627 किलोमीटर टोटल ओडो रीडिंग है, और 96 किलोमीटर हमारी ट्रिप हो चुकी है बी जो हमने जीरो करी थी लास्ट टाइम पेट्रोल पंप पे। अब भाई फिर से इसको फुल कराते हैं और देखते हैं। चलो तो भाई अभी तक भैया यहाँ पर ध्यान दे रहे थे, और जैसे ही भैया ने वहाँ से ध्यान हटा के यहाँ पर टोटल रीडिंग की तरफ देखा तो भाई हमारे साथ हो गया एकदम से मोए मोए। तो आप देख लो भाई क्या होता है यहाँ पे, क्या हुआ कट क्यों नहीं मारा है, तो तेल ही गिर गया। अरे यार नहीं फुल तो हो गई। तो भाई यहाँ सीन ऐसा ही हुआ, आप देख सकते हो कितना सारा जो फ्यूल है वो स्पिल हो गया, खिंड गया, एक कुछ भी मान लो आप। तो लगभग जो अंदाज़ा लग रहा है वो भाई यही लग रहा है कि 0.5 लीटर के आसपास जो फ्यूल है वो भाई स्पिल हो गया, खिंड गया था, बिखर गया था। और भाई 1.5-2 घंटे हमने खड़ी रखी है गाड़ी, तो आप मान के चलो कि भाई 2 लीटर फ्यूल जो है इसने वहाँ पर कंज्यूम करा ही करा होगा, तो टोटल आप 2.5 लीटर उसमें से भाई माइनस कर लेना, तो ऑन एन एवरेज भाई 7 लीटर फ्यूल इसके अंदर आया है, और आप माइनस कर लो 7 लीटर में से 2.5 लीटर, तो लगभग भाई 4.5 लीटर में ये चली है। मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो भाई अब कैलकुलेट कर देता हूँ आपके लिए, गाड़ी चली है 96 ही मान लेते हैं भाई टोटल, और इसको डिवाइड कर देंगे भाई हम, 7 लीटर फ्यूल इसमें आया है, 2.5 लीटर हमने जो है ख़राब कर दिया भाई, अब वेस्ट कर दिया, तो 7 में से आप 2.5 घटा दो 4.5, उसको डिवाइड करता हूँ मैं भाई 4.5 के आसपास से, तो भाई इतना माइलेज निकलता है मिक्स कंडीशन में। और भाई अगर मानो आपकी 2-2 घंटे भी नहीं खड़ी करी होगी, अगर 1.5 घंटा भी खड़ी करी होगी, तो भाई 20 के अप्रोक्सीमेट आप मान के चलो लॉन्ग में और लोकल में मिला के इतना आपका देगी निकाल के, 20 का आपका कहीं नहीं गया, जो भाई इसका नेचुरल एस्पिरेटेड है। जो भाई इसका टर्बो है वो शायद भाई थोड़ा और नीचे दे सकता है 1-2 किलोमीटर का, क्योंकि उसके अंदर भाई टर्बो आता है और 3 सिलेंडर है वो, और 1000 cc का भाई टर्बो जेट इंजन है भाई उसके अंदर, तो वो तो तीर जाता है एकदम। तो आई होप भाई आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी भाई, थोड़ा सा भाई स्पिलेज वगैरह हो गया क्योंकि भाई उसकी थोड़ी मशीन ख़राब थी, उसने पता नहीं कट नहीं लगा उसकी में, या उसने मारा नहीं, या पता नहीं क्या हुआ, वैसे भाई लग जाता है कट, मैंने बलन वाली वीडियो में बनाया था तो भाई कट लग जाता है उसकी में, भाई कट नहीं लगा, तो तब भी भाई 19, 20, 21 के आसपास हम माइलेज मान के चल रहे हैं इसका। बाकी इसका एक्यूरेट भाई अगली वीडियो में निकाल के दिखाऊंगा मैं, जब बिल्कुल इसको एक्सप्रेस वे पे और तरीके से सब चीज़ मैं तरीके से रिकॉर्ड करूंगा, और भाई
कट की दिक्कत ना होगी जहाँ पे, और जहाँ पे गाड़ी स्टार्ट नहीं रखेंगे वहाँ बिल्कुल एक्यूरेट निकल आएगा। ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आप मान सकते हो 19, 20, 21 इतना माइलेज भाई फ्रॉन्क्स निकाल के दे देती है ओवरऑल। ठीक है भाई, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रॉन्क्स, बलेनो, ग्रैंड विटारा, मारुति, टाटा, हर चीज़ की भाई वीडियो वहाँ पर आने वाली है। तो सब्सक्राइब करके भाई घंटा दबा लेना जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का पता चल जाए। तो मिलते हैं भाई आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब टैलेंट मीट नहीं होगा फिर एग्जाम लग जाने मित्रों।